अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, क्योंकि बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते आ रहा हूँ। तो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फ्री है दोस्तों, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप ओप्पो A71 से बहुत ही अच्छे पिक्चर्स निकाल सकते हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स, और क्योंकि 9000 रुपीज़ अराउंड मिल रहा है आपको, और इसमें कैमरा सेटिंग्स बहुत ही अच्छे दिए हैं, खास करके क्योंकि आपको सारे प्रो लेवल्स का ऑप्शन मिल रहा है। कैमरा में टाइम लैप्स वीडियो भी निकाल सकते हैं आप, उसके साथ आप प्रो लेवल जैसे शटर स्पीड मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं फोकस को, तो ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है। चलिए कैमरा को ऑन करते हैं। कैमरा को ऑन करने के लिए आप जब भी लॉक स्क्रीन पर है तो यहाँ पर एक आइकॉन दिखेगा आपको कैमरा का, जस्ट स्वाइप अप कीजिए ऐसे, तो डायरेक्टली आप कैमरा पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये है ओप्पो A71 का व्यू फाइंडर। अभी जैसे कि आप कुछ यहाँ आर्क का सिंबल देख रहे हैं, ये कुछ नहीं एक्चुअली, ये वाटर मार्क है। यहाँ पर फिल्टर का सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एक बार टैप करेंगे तो ढेर सारे ऐसे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, वो भी लाइव आपको दिखाएगा कि आप ये फ़िल्टर यूज़ करने से आपको कैसे वो एक्चुअली इफ़ेक्ट मिलेगा। मान लीजिए अगर मैं फैंटासी इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए अभी वो इफ़ेक्ट कैसे दिखाई देगा पिक्चर में। हम इसको अभी क्लिक करेंगे पिक्चर को। इसमें ऑटो फोकसिंग बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैंने टेस्ट किया है, तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स भी आते हैं शार्प। देखिए अभी जैसे मैंने क्लिक किया हूँ, अभी वो वाला पिक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल में देखिए आप, बहुत ही अच्छा शार्प पिक्चर आपको मिलता है ओप्पो A71 में, क्योंकि बजट फ़ोन भी कह सकते हैं हम, इसमें इतने सारे फीचर्स भी दिए हैं। और अगर आप यहाँ पर फिल्टर पर फिर से जाएंगे तो वाटर मार्क है, यहाँ से मैंने वो आर्क वाला सेलेक्ट किया था सिंबल, तो देखिए बहुत ऐसे अच्छे अच्छे वाटर मार्क्स भी है, आप यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स को लेने के लिए। फिर से आप यहाँ पर जाएंगे तो लोकेशन डेट है, टेम्परेचर है, आप डेट और डे सेव कर सकते हैं, कुछ ऐसे वेव फॉर्म जैसे बना सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट करके लिखा हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कुछ लिखना है एडिशनली, वो वाला नहीं कर सकते हैं, कैमरा सेटिंग में भी नहीं दिया है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क्स है वहीं आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर डेट एंड लोकेशन का है, आप ये बिल्कुल यहाँ जहाँ आप फ्रेम पर रखना चाहते हैं वो वाला कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, आप इसको बिल्कुल चेंज करके नाम बदल नहीं सकते। तो नन रखने के लिए यहाँ पर नन है, इसको दबाएंगे तो वाटरमार्क चला जाएगा। और एक फीचर है यहाँ पर रिवर्ट करके है, मतलब प्रीवियस सेटिंग जो भी रहता है अवेलेबल, अगर उसको जाने के लिए आप रिवर्ट कर सकते हैं तो बिना एनी कोई फिल्टर वो नॉर्मल मोड पर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, एक बार टैप करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड है, स्क्वायर मोड है। मान लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स लेना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो आप क्या करना है आपको कि स्क्वायर मोड पर जाना है, तो सारे पिक्चर्स जो भी आप लेंगे स्क्वायर पे आएंगे और सोशल मीडिया पर जल्दी से आप शेयर भी कर सकते हैं ऐसे। तो फुल स्क्रीन लाने के लिए, जो कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में लाने के लिए फुल स्क्रीन मोड भी है, लेकिन क्या होता है कि 13 मेगापिक्सल जो है वो कम होके अराउंड 9 मेगापिक्सल में आपको पिक्चर्स मिलेंगे। तो ये है स्क्वायर फुल स्क्रीन, और जो 4:3 एस्पेक्ट रेशियो था स्टैंडर्ड वो वाला है, उसको चेंज करने के लिए यहाँ से करें। नेक्स्ट है टाइमर, तो अगर ये दबाएंगे तो 3 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, या फिर जब भी आप पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तब आप क्लिक कर सकते हैं, वो है टाइमर, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है HDR फीचर, यानी क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आप लैंडस्केप पिक्चर्स ले रहे हो और नीचे जो भी आपको फ्रंट एलिमेंट्स जो कहते हैं वो डार्क नज़र आते हैं और ऊपर का क्लाउड्स या फिर स्काई वो अच्छी तरह से लिट हो रहा है, तो क्या करना है आपको HDR पे जाना है, ऑन करना है इसको, ऑटो नहीं ऑन रखिए आप, तो क्या होता है जो भी यहाँ पर डार्क सीन थे फ्रंट एलिमेंट्स वो सारे ब्राइट हो जाएंगे और अच्छी तरह से जैसे हमको आंखों को लाइव कैसे दिखाई देगा वैसे ही आपको पिक्चर्स में भी मिलेंगे। तो ये हाई डायनामिक रेंज हम कह सकते हैं, इंडोर सिचुएशन में इतना भी यूज़ नहीं होगा और थोड़ा नॉइसी भी पिक्चर्स आएंगे अगर आप इंडोर के लाइट में लेंगे। तो ये यूजुअली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी लैंडस्केप का पिक्चर्स लेते हैं या फिर फोलियज का भी अच्छा ही आएगा, फ्लावर्स का पिक्चर्स भी, तो तभी आप HDR को यूज़ करें। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लैश ऑफ ऑन ऑटो फिल लाइट, फिल लाइट यानी परमानेंटली ऑन होगा, देखिए फ्लैश परमानेंटली ऑन होगा, तो जब भी आप ऐसे ऑन करना चाहते हैं, देखिए अभी कैसे हम ऑब्जेक्ट को लिट कर सकते हैं ऐसे फ्रंट फ्लैश से बिल्कुल ऑन करके। हम यहाँ पर क्या करना है, एक ट्रिक बताऊँगा मैं आपको बाद में कि कैसे आप जो भी फ्लैश का लाइट है, अभी देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है ना लाइट, वो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो वाला मैं बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल हम सारे फीचर्स देख लेते हैं पहले।
पहले इसको ऑफ करूंगा मैं फ्लैश लाइट को। ये सारे लेफ्ट में आपको फीचर्स मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फोटो करके है, ब्यूटी है, यहाँ पर 1x है, 2x टोटल जूम करने के लिए आप 2x पर जा सकते हैं, 1x है, 2x ऐसे। लेकिन क्या होता है, तो डिजिटल हम जूम करते हैं तो ज़्यादा पिक्सल्स बढ़ेगा और थोड़ा क्लैरिटी आपको कम वाला पिक्चर मिलेगा। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्वाइप अप करता हूँ तो वीडियो मोड पर चला जाएगा, आप 1080 30 फ्रेम्स पर सेकेंड वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन है, अगर आप ये वाला क्लिक करेंगे तो 10 सेकेंड्स का शॉर्ट वीडियो आप बना सकते हैं, क्लिप जो कहते हैं हम उसको। यहाँ से फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं, फिल्टर भी डाल सकते हैं आप। देखिए एक बार टैप करूंगा तो इंस्टेंटली आप फिल्टर डाल सकते हैं, लेकिन वाटरमार्क का फीचर वीडियो पर नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर फिर से मैं स्वाइप करता हूँ ऊपर तो टाइम लैप्स है, टाइम लैप वीडियो आप खींच सकते हैं, मान लीजिए सिटीस्केप का या फिर सनसेट का, जो भी क्लाउड्स का मूवमेंट रहता है बहुत ही अच्छी तरह से आता है टाइम लैप्स में। तो उसको लेने के लिए आपको रिकॉर्ड बटन प्रेस करना होगा, टाइम लैप्स स्टार्ट हो जाएगा। फिर से ऐसे स्वाइप करते ऊपर आता हूँ तो ब्यूटी मोड है, ये सारे हम बैक कैमरा का सेटिंग्स देख रहे हैं। तो ब्यूटी मोड सेपरेट से दिया है, यहाँ से ब्यूटी लेवल 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो ले सकते हैं। इसमें क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, आई थिंक डेडिकेटेड चिप तो नहीं, सॉफ्टवेयर वाइज वो कुछ इंप्रूवमेंट्स किए होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट, देखिए अभी फेस का ऐसे ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली अगर मैं ब्यूटी लेवल 4 रखता हूँ तो वो जज करेगा कि कितना बैकग्राउंड ब्लर करना है और कितना फेस का ऑब्जेक्ट है, तो उसके आधार पर वो ब्यूटी मोड वर्क होगा। देखिए अभी 4 करके प्रेस करता हूँ तो पोर्ट्रेट मोड में चला जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर थोड़ा ब्लरनेस आ गया है और बिल्कुल बीच में शार्प है। तो ऐसे लेने के लिए आप ब्यूटी लेवल को इसको ऑन करके ले सकते हैं ब्यूटी मोड में। वहीं आप फिर से ऐसे स्वाइप अप करेंगे तो पनोरामा मोड है, आप पनोरामा लेने के लिए यहाँ से ले। नेक्स्ट देखिए अगर स्वाइप करेंगे तो एक्सपर्ट मोड है, ये वाला सेटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे प्रो ऑप्शंस, मतलब 9,000 रुपीज़ में, जैसे कि हुआवे ऑनर 9 लाइट में मैंने बताया था कि उसमें बहुत सारे प्रो लेवल ऑप्शंस दिया है, इससे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेगा फीचर सेट आपको, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां नहीं। देखिए यहाँ पर आप एक्सपोजर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वाइट बैलेंस, मान लीजिए अगर इंडोर में अभी मैं पिक्चर ले रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ठीक से कलर नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप वाइट बैलेंस को एक बार टैप करके, अभी ऑटो पर है ना यहाँ, तो ये वाला ऑटो चेंज करके आप ऐसे स्लाइडर को मूव करेंगे, देखिए कैसे कोल्ड टेम्परेचर होता जाएगा, जैसे नंबर कम होगा 2000 केल्विन 3200 केल्विन ऐसे कम होता जाएगा तो कोल्डर साइड आएगा, जैसे ही नंबर बढ़ेगा 6400 केल्विन ये सारा वार्मर रीजन तक जाएगा। अगर ऑटो लेना है तो एक बार ऑटो पर टैप कर दीजिए, फिर से ऑटो आ जाए। एक नेक्स्ट है एक्सपोजर वैल्यू। एक्सपोजर वैल्यू क्या होता है कि मान लीजिए अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा डार्क सीन है और इंडोर में आप ले रहे हैं, तो क्या होता है अगर कॉम्पेंसेट करने के लिए थोड़ा हम एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, स्लाइडर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो देखिए कितना ब्राइट इमेज लग रहा है ना अभी, तो हम अगर एक बार कैप्चर करेंगे यहाँ पर फोटो में, देखिए अभी इवनली लिट इमेजेस, आप जो हम कहते हैं प्रोफेशनल से, तो इवनली लिट इमेजेस आप ले सकते हैं ऐसे एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया कि बाद में बताऊंगा करके बताया था कि फ्लैश से कैसे आप कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, देखिए ये वाला ट्रिक कैसा है अभी प्रो लेवल ट्रिक। यहाँ पर फ्लैश को मैं बिल्कुल ऑन करूंगा अभी फिल लाइट करके, तो परमानेंटली ऑन है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोजर वैल्यू है ना ईवी, तो मैं क्या करूंगा कि ईवी को एक बार टैप करके आप अभी देखिए एक्सपोजर वैल्यू मैं कम करूंगा, तो देखिए बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर है, बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कैसे नीट से आप ऐसे एक्सपोजर चेंज करके, एक्सपोजर को मैंने कम किया है, -0.5 स्टॉप रखा है, तो अभी मैं कैप्चर करूँगा तो जैसा आपको चाहिए आप फ्लैश को यूज़ करके देखिए बहुत ही अच्छे पिक्चर्स ऐसे निकाल सकते हैं बैकग्राउंड को डार्क करके। तो ऐसे आप कहीं सिचुएशंस में अच्छा लगेगा तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ट्रिक आप याद रखिए, फ्लैश को ऑन करके आप एक्सपोजर वैल्यू को कम करना है आपको तो बहुत अच्छे पिक्चर्स मिलेंगे। इसको फिलहाल हम ऑफ कर देंगे, ये था एक्सपोजर वैल्यू। इसके बाद ISO सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, ISO स्टार्टिंग फ्रॉम 22, वाव 22, यानी आपको बहुत सारा डिटेल वाला सॉफ्ट, बिल्कुल नॉइस नहीं रहेगा वैसा इमेजेस मिलेगा अगर ISO 22 में लेते हैं। तो देखिए अभी ISO 22 में हम एक लेंगे, यहाँ पर टैप टू फोकस है तो मैं फोकस ले रहा हूँ। रेयर कैमरा इसमें जो है F2.2 का है और फ्रंट कैमरा F2.4 अपर्चर का है। आई थिंक ये थोड़ा मुझे माइनस इसका नेगेटिव लगा, लेकिन आप कोई बात नहीं, आप कॉम्पेंसेट जैसे मैंने ट्रिक बताया आपको वैसे आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी टैप टू फोकस किया हूँ, ISO 22 में हम पिक्चर ले रहे हैं,
तो देखिए यहाँ पर क्योंकि शटर स्पीड मैनुअली मैंने रखा है, अभी इसको हम ठीक करेंगे। देखिए कैसे ठीक कर सकते हैं आप इसको। शटर स्पीड है ना, यहाँ पर शटर स्पीड पर जाके 1/मैक्सिमम तो 1/8000 सेकेंड तक है, हम इसको 1/200 सेकेंड रख के एक बार कैप्चर करके देखेंगे तो कैसा आएगा। देखिए अभी बिल्कुल शार्प इमेज और प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन में प्रॉपर लाइट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ऐसे आप कॉम्पेंसेट करके सेटिंग्स को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे क्रिएटिविटी आपका जो भी है वो आप लगा कर ले सकते हैं। पिक्चर को ऑटो फोकस है यहाँ पर, मैनुअली भी आप फोकस कर सकते हैं, डिस्टेंट फोकस, क्लोजअप फोकस करने के लिए, या फिर दूर वहाँ बैकग्राउंड में फोकस करने के लिए, जैसा चाहिए वैसा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑटो भी रख सकते हैं। ऐसे प्रो लेवल ऑप्शंस है। उसके बाद यहाँ पर टाइमर भी है, देखिए एक्सपर्ट मोड में टाइमर के अलावा यहाँ पर एक अल्ट्रा एचडी, हमेशा जो ओप्पो का रहता है अल्ट्रा एचडी ऑन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मेगापिक्सल का आप ले सकते हैं। देखते हैं कितना मेगापिक्सल का पिक्चर मिलता है हमको, लेकिन बिल्कुल हैंड शेक नहीं होना है ऐसे अल्ट्रा एचडी पिक्चर में लेते वक्त। तो अभी हम कैप्चर करेंगे, देखिए वो लोड हो रहा है, कुछ 1 सेकेंड लेगा लोड होने में। अभी देखेंगे कि कैसे 6406 by 4804, हम इसको अगर कैलकुलेट करना है कितना मेगापिक्सल का वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर टूल्स में है, टूल्स में कैलकुलेटर। तो 6000 इमेज रेजोल्यूशन कितना था कि 6406 by 4804, 6406 by 4804, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो जो भी यहाँ पर है देखिए 30 मेगापिक्सल का आप कैप्चर कर सकते हैं अल्ट्रा एचडी ऑन करके, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिटेल्ड इमेजेस मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये याद रखना है आपको बिल्कुल शेक नहीं करना है इमेज को, आप जब लेते हैं तो मोबाइल को शेक नहीं करना है। अभी अल्ट्रा एचडी में कैप्चर हुआ है तो 30 मेगापिक्सल का आपको रेजोल्यूशन वाला मिल रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप गौर करेंगे तो बहुत सारा अच्छा डिटेल्स आपको मिलेगा 30 मेगापिक्सल में। लेकिन ये जब चाहिए लैंडस्केप के लिए, फ्लावर्स के लिए, ऐसे पिक्चर्स के लिए आप ले यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रा एचडी मोड यहाँ से ऑन करके। ये वाला फिर से हम टैप करेंगे तो नॉर्मल जो 13 मेगापिक्सल है वहीं पर वो आ जाएगा। तो इतने सारे सेटिंग्स है ओप्पो F5 में, जो कि रेयर कैमरा में, फ्रंट कैमरा में ज़्यादा नहीं ब्यूटी मोड दिया है, बस डेप्थ इफेक्ट का जो बबल रहता है वो दिया है। डेप्थ इफेक्ट ऑन कर सकते हैं, फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आपको 5 मेगापिक्सल का बहुत ही अच्छे सेल्फीज मिलेंगे इस मोबाइल में। तो वही सिर्फ मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैमरा का सेटअप किया है तो सेल्फी का मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, लेकिन जैसे कि मैंने रेयर कैमरा में दिखाया आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी मोड, ब्यूटी लेवल जो है वो ड्रॉपलेट यहाँ पर आपको आइकॉन दिखाई देगा छोटा सा, तो अगर आप आइकॉन का एक बार टैप कर देंगे तो डेप्थ इफेक्ट ऑन होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बहुत अच्छे सेल्फीज इस कैमरा में मिलेंगे। तो इतने सारे सेटिंग्स है ओप्पो A71 में। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैं एक दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आप सेटिंग्स पर जाएंगे मोबाइल में तो सेटिंग्स में यहाँ पर आपको कैमरा करके है नीचे, फुल नीचे यहाँ पर, तो कैमरा पर एक बार टैप कर दीजिए। कैमरा का कुछ सेटिंग्स यहाँ पर भी दिया है, जैसे कि आप वॉल्यूम बटन को शटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम बटन को। देखिए यहाँ पर शटर, जूम और वॉल्यूम का ही है, और उसके साथ शटर साउंड आपको नहीं चाहिए अगर तो शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं। लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रिड जरूर यूज़ कीजिए, बहुत सारा यूज़ होगा आपको कंपोजिशन लेने के लिए, तो कंपोजिशन अच्छी तरह से बनाने के लिए आपको ग्रिड यूज़ होगा तो ग्रिड को ऑन कीजिए। उसके साथ यहाँ पर देखिए फ्लिप सेल्फी करके है, कई बार क्या होता है कि सेल्फी कैमरा से लेते वक्त जैसे हम मिरर में देखते हैं तो उस तरह का इफेक्ट नहीं आता है, तो फ्लिप करने के लिए आपको एक बार फ्लिप सेल्फी ज़रूर रखें। तो ये वाला आपको जैसा है आप मिरर में देखते हैं वैसे आपको सेल्फी में पिक्चर्स मिलेंगे। तो ये सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि मैंने फुल आपको डिटेल में कैमरा का सेटिंग्स बताया, होपफुली आप बहुत अच्छे पिक्चर्स निकालेंगे। हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, और लाइक करना ना भूलें, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर दोस्तों अपना, बाय बाय। आप ले यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रा एचडी मोड यहाँ से ऑन करके। ये वाला फिर से हम टैप करेंगे तो नॉर्मल जो 13 मेगापिक्सल है वहीं पर वो आ जाएगा। तो इतने सारे सेटिंग्स है ओप्पो F5 में, जो कि रेयर कैमरा में, फ्रंट कैमरा में ज़्यादा नहीं ब्यूटी मोड दिया है, बस डेप्थ इफेक्ट का जो बबल रहता है वो दिया है। डेप्थ इफेक्ट ऑन कर सकते हैं, फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आपको 5 मेगापिक्सल का बहुत ही अच्छे सेल्फीज मिलेंगे इस मोबाइल में। तो वही सिर्फ मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैमरा का सेटअप किया है तो सेल्फी का मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, लेकिन जैसे कि मैंने रेयर कैमरा में दिखाया आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी मोड, ब्यूटी लेवल
जो है वो ड्रॉपलेट, यहाँ पर आपको आइकॉन दिखाई देगा छोटा सा, तो अगर आप आइकॉन का एक बार टैप कर देंगे तो डेप्थ इफेक्ट ऑन होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बहुत अच्छे सेल्फीज इस कैमरा में मिलेंगे। तो इतने सारे सेटिंग्स है ओप्पो A71 में। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैं एक दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आप सेटिंग्स पर जाएंगे मोबाइल में तो सेटिंग्स में यहाँ पर आपको कैमरा करके है नीचे, फुल नीचे यहाँ पर, तो कैमरा पर एक बार टैप कर दीजिए। कैमरा का कुछ सेटिंग्स यहाँ पर भी दिया है, जैसे कि आप वॉल्यूम बटन को शटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर जूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम बटन को देखिए, यहाँ पर शटर, जूम और वॉल्यूम का ही है, और उसके साथ शटर साउंड आपको नहीं चाहिए अगर तो शटर साउंड को ऑफ़ कर सकते हैं। लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रिड ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत सारा यूज़फुल होगा आपको कंपोजिशन लेने के लिए। तो कंपोजिशन अच्छी तरह से बनाने के लिए आपको ग्रिड यूज़ होगा, तो ग्रिड को ऑन कीजिए। उसके साथ यहाँ पर देखिए फ्लिप सेल्फी करके है, कई बार क्या होता है कि सेल्फी कैमरा से लेते वक्त जैसे हम मिरर में देखते हैं तो उस तरह का इफेक्ट नहीं आता है, तो फ्लिप करने के लिए आपको एक बार फ्लिप सेल्फी ज़रूर रखे। तो ये वाला आपको जैसा है आप मिरर में देखते हैं वैसे आपको सेल्फी में पिक्चर्स मिलेंगे। तो ये सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि मैंने फुल आपको डिटेल में कैमरा का सेटिंग्स बताया, होपफुली आप बहुत अच्छे पिक्चर्स निकालेंगे। हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, और लाइक करना ना भूलें, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर दोस्तों अपना, बाय बाय।